बीएसएनएल की तरफ से आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर, जिसके अंदर आप लोगों को 1312 रुपये का प्लान सिर्फ 1111 में मिलेगा। जियो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर आप जियो सिनेमा, जियो टीवी और साथ ही साथ जियो साउंड का लुत्फ उठा सकते हो। ऑनर इंडिया के द्वारा 3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, वॉच में 2 और 1 जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन होने वाला है। इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे कि सोनी, जी, स्टार, इन लोगों ने रुख किया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसके अलावा एक और खबर जियो वाईफाई कॉलिंग की तरफ से, अगर आपको पता लगाना है कि आपका फ़ोन जियो वाईफाई कॉलिंग के लिए कंपेटेबल है या नहीं है, या फिर है तो कैसे स्टार्ट करें, उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो टेक चैट के 17वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूँ तकनीकी सार के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों को हेडलाइंस बताने के बाद अब वन लाइनर न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो खबर निकल के आ रहा है वो शाओमी की तरफ से निकल के आ रहा है कि उन्होंने 1 मिलियन डिवाइसेस एक दिन के अंदर ऑफलाइन मार्केट के अंदर सेल कर दी है, और उन प्रोडक्ट्स में मोबाइल के साथ साथ टीवी, बैंड और जो कुछ भी शाओमी के प्रोडक्ट है सारे के सारे शामिल हैं। दूसरी खबर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, जिसके अंदर एनालिस्ट ने बताया है कि 5G फोन्स का सेल 2020 के अंदर एप्पल जो है लगभग 80 मिलियन के आसपास करने वाला है, मतलब कि 8 करोड़ आईफोन बिकने वाले हैं 2020 के अंदर। अगली खबर खुशी लेके आ गई एयरटेल के ग्राहकों के चेहरे के ऊपर, क्योंकि ओपन सिग्नल ने जो अपना एक टेस्ट किया था और उनके रिपोर्ट के हिसाब से एयरटेल इंडिया का एक नंबर प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ उनका जो वाइड रेंज नेटवर्क है, जिसके कारण अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो वीडियो क्वालिटी या कुछ भी, तो आपको अच्छे तरीके से एयरटेल के ऊपर डाउनलोड होके मिलता है। मोबाइल की दुनिया में पोको ने एक अपना स्थान बनाया। पोको F1 के आने के बाद काफी ज्यादा स्पेकुलेशन पोको F2 के बारे में लगाई जा रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर पोको F2 भी मार्केट के अंदर होगा, और पोको जाना जाता है अपने कम प्राइस और ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, वेट कीजिए, आने वाले टाइम के अंदर पोको F2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगा तो आप लोग तक तो जरूर लेके आऊंगा। इसके बाद बात करते हैं डीडी फ्री डिश के बारे में, जिसके अंदर 4 स्लॉट को खाली कर दिए गए हैं प्रसार भारती के द्वारा, जिसके ऊपर ऑक्शन होने वाला है, और आने वाले 22 जनवरी के इसके ऊपर ऑक्शन होगा, और 1 फरवरी 2020 से लेके 14 मई 2020 तक वो चैनल आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात जो है आप लोगों को बहुत खुश कर देगा, क्योंकि सेल का टाइम आ चुका है और रिपब्लिक डे से लेके फ्लिपकार्ट भी आ गया है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला 19 को और चलेगा 22 तक। अमेजन ने पहले अनाउंस कर दिए हैं डेट, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत सारे सेल में ऑफर्स मिलने वाले हैं। डिटेल में खबर जानने के लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक इस पे वीडियो बना के आप लोग तक लेके जरूर आऊंगा। अब इन वन लाइनर्स के खत्म होने के बाद अब मैं आपको जो मेन न्यूज है उसके ऊपर लेके आता हूं। तो बीएसएनएल की तरफ से 1312 रुपए के प्लान को कम करके 1111 कर दिया गया है, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया है। इसके अंदर आपको 250 मिनट की कॉलिंग मिलती है पर डे के हिसाब से करने के लिए, साथ ही साथ आपको 12 GB का डाटा दिया जाता है पूरे साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, मतलब इसकी वैलिडिटी जो होने वाली 365 दिन की होने वाली है। और इस प्लान का मेन काम जो लोग कॉलिंग करते हैं उनके लिए है। अगर आपको इंटरनेट भी इस्तेमाल करना है तो आपको लेना चाहिए 1615 का प्लान, जिसके अंदर आपको 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से मिलता है, लेकिन सिर्फ कॉलिंग करना आपका काम है और कॉलिंग से ही आपका सब कुछ चलता है, तो आपको 1111 रुपए का प्लान रिचार्ज करा लेना चाहिए, जो कि अभी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। जियो एक ऐसी कंपनी है जो कि रातों दिन बढ़ोतरी कर रही है अपने सब्सक्राइबर बेस में, अपने कंपनी के काम में, जैसे कि जियो मार्ट लॉन्च होने वाला है, साथ ही साथ हर चीज में जियो तरक्की करना चाहता है। तो जियो ने अपने एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर दिया है, उसके अंदर आपको जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो टीवी, ये 3 एप्लीकेशन आपको उस जियो ऐप, जो कि माई जियो ऐप होता है, जिसके अंदर आप अपना सारा अकाउंट का डिटेल देखते हो, सब कुछ चेक करते हो, सारा अवेलेबल होता है वहां पे। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको अब उसी के अंदर मिलेंगे, मतलब ये कि आपको अलग से अब जीवन सावन नहीं डाउनलोड करना है, ना जियो सिनेमा डाउनलोड करना है, ना जियो टीवी डाउनलोड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जियो टीवी और जियो सिनेमा को कई बार आप ओपन करते हो तो आपको रिडायरेक्ट कर देता है प्ले स्टोर पे या फिर जो भी आपका वेब वर्जन है उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि ये जो दिक्कत है उसको खत्म कर दिया जाए, और जब भी आप अपना ओपन करते हो जियो सिनेमा या फिर जियो टीवी माई जियो ऐप पे, तो आपको सारा का सारा वहां पर मिलेगा। करना क्या है इसके लिए, आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना है। जियो सावन तो 100% आपका आ ही जाएगा, जियो सिनेमा और जियो टीवी के भी आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगर स्मूथली आप उसको रन कराना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मोबाइल लवर्स के लिए, जो लोग ऑनर का फोन आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं उन लोग
लोगों को मालूम है कि ऑनर कम पैसे लेके कितना अच्छा सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। वावे की तरफ से जब ऑनर 7X 8X वगैरह लॉन्च किया गया, उसके बाद मार्केट के अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन 9X का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे थे और 9X को लॉन्च किया गया है 13,000 रुपये में, जो कि आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है। ये प्राइस रेंज के साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा देना बहुत अलग बात है, क्योंकि इस रेंज में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है, ट्रिपल कैमरा पीछे दिया गया है जो कि 48, 8 और 2 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही साथ जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाने वाला है, 710 स्क्रीन का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाने वाला है, और इसके साथ साथ 4000 एमएएच की बैटरी जो कि 10 वाट के चार्जर के साथ आने वाली है। और इसके अलावा इसकी जो खूबी है वो आपको स्क्रीन है जो कि पूरा का पूरा फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होने वाला है। तो दोस्तों ये फोन 12-13 हज़ार रुपये में अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले टाइम के अंदर। इसके ऊपर जब सेल आएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर और ये फोन आप जब खरीदोगे तो जरूर आपको चलाने के बाद लगेगा कि हाँ, इस फोन के अंदर जो क्वालिटी दी गई है वो अच्छी दी गई है। अगली खबर आपके जेब से रिलेटेड है। आप लोगों को मालूम है कि ट्राई के द्वारा 1 जनवरी 2020 को नया नियम लेके आया गया और बताया गया कि अगर किसी भी चैनल का प्राइस 12 रुपए से ज्यादा रहता है तो वो किसी भी बुके का पार्ट नहीं बन सकता। इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हुई ब्रॉडकास्टर्स के अंदर, जो कि सोनी, स्टार, जी, ये सारे लोगों ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद ऐसा सोचा कि इतना अगर प्राइस होता है तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, और ट्राई के खिलाफ बहुत नाराजगी जताई और बोला कि आप लोगों को ऐसा एक प्लान रखना चाहिए जिसके अंदर आप लोग इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करें, और OTT प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर DTH मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे ब्रॉडकास्टर जा चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पे इनकी सुनवाई होने वाली है, और आने वाले टाइम के अंदर ट्राई के ऊपर क्या फैसला आता है तो देखने वाली बात होगी कि आपके जेब पे इसका असर पड़ता है या नहीं। अगर ट्राई के पक्ष में फैसला आया तो ट्राई ने जो नियम लगाया है उस नियम को लगाते हुए बहुत सारे चैनल के प्राइस कम होंगे और बहुत सारे बुके जो सस्ते में मिलने लगेंगे, और उसके बाद NCF के रूप में आपको कम ही चार्ज किया जाएगा। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो जियो की तरफ से निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जियो वाईफाई कॉलिंग का स्टार्ट कर दिया गया था। जियो वाईफाई कॉलिंग के आने के बाद बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगे। सबसे पहले ये कि अगर हम फोन को वोल्टी सपोर्ट को बंद कर देते हैं तो क्या हमारा फोन लगेगा। दोस्तों जो वाईफाई कॉलिंग हो वो ऐसे नहीं है कि आपके फोन के अंदर नेटवर्क ही ना हो और आप वाईफाई कॉलिंग कर लो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके फोन के अंदर नेटवर्क लो होगा तो वाईफाई कॉलिंग पे अपने आप को स्विच कर लेगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले देखना है कि आपका फोन कंपेटिबल है या नहीं है। अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो jio.com/wifi उस पर जाके आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि 150 हैंडसेट के नाम दिए हुए हैं और ब्रांड दिए हुए हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपका फोन लिस्ट में है तो आपका फोन कंपेटिबल है जियो वाईफाई कॉलिंग के साथ ही साथ। अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो सेटिंग्स में जाइए, वहां पे आप जब फोन सेटिंग में जाते हैं उसके अंदर आप कनेक्शंस में जाएंगे तो वहां पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर लीजिए। वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका वाईफाई से नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, जो भी वाईफाई आपके घर के अंदर होगा या आपके ऑफिस के अंदर होगा, जो कि आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो आपका अगर फोन घर के किसी ऐसे कोने में है जहां पे नेटवर्क कम आ रहा है 4G वोल्टी का, तो वो अपने आप को स्विच कर लेगा वाईफाई कॉलिंग के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अपने वोल्टी को बंद कर देता हूं तो वाईफाई कॉलिंग मैंने स्टार्ट कर रखा है तो उस पर कॉल आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आपके घर के जिस एरिया में नेटवर्क कम आ रहा था वहां पर वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह निकल के आती है कि चार्ज कितना लगेगा। तो दोस्तों चार्जेज इसके ऊपर इंडिया के अंदर आप कॉल करते हो तो कुछ भी नहीं लगने वाला है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर आप कॉल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये खबर थी जियो वाईफाई कॉलिंग की तरफ से। दोस्तों इसके अलावा जो भी खबर निकल के आएगा आप लोगों तक जरूर लेके आऊंगा, और अभी सेल जो आने वाला है अमेज़न और फ्लिपकार्ट का तो उसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। वीडियो इसके ऊपर आ जाएगा जो कि पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगा। तकनीकी सर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोशिश कीजिएगा चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेने का, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो आता है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।